आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। मध्य प्रदेश के सतना और रीवा से जुड़ा हुआ एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां एक 35 वर्षीय मरीज युवक के मुंह से सांप के आकार का कीड़ा निकला। यह युवक पेट दर्द से परेशान था, जिसने डॉक्टर की सलाह पर दवा खाई तो उसके मुंह से यह कीड़ा बाहर आया है। कान मोहम्मद, पिता वसीर अहमद, ग्राम भटिया, थाना सलेहा, तहसील गुन्नौर के पेट से ये सांप जैसे निकला। कीड़े की लंबाई तकरीबन 1.5 फीट बताई जा रही है, जो हूबहू सांप के आकार का बताया जा रहा है। यह कीड़े को जांच के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जिसे देखकर मेडिकल कॉलेज के डीन ने राउंड बार होने की आशंका जाहिर की है। दरअसल इस चौंका देने वाले मामले को लेकर सतना के नागौर में प्राइवेट क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर एस एन सिंह पाल ने बताया कि बुधवार की सुबह 11 बजे पेट दर्द की बीमारी से परेशान एक मरीज उनकी क्लिनिक में पहुंचा था। मरीज का नाम शान मोहम्मद, निवासी ग्राम भटिया, थाना सलेहा, जिला पन्ना था। बताया गया कि मरीज पेट दर्द से 2 साल से परेशान था। उसे रोजाना पेट दर्द बना रहता था और भूख ना लगना और शरीर में कमजोरी बनी रहने की भी समस्या थी। मरीज की इन सारी समस्याओं को सुनने और समझने के बाद डॉक्टर एस एन सिंह पाल ने उसे पेट के कीड़े मारने की दवा दी और मरीज ने जब दवा का सेवन किया और उसे दवा का जब असर हुआ तो उसके पेट से इस सांप के आकार का जीव मुंह के रास्ते बाहर आया। उन्होंने बताया कि पेट से निकले कीड़े की लंबाई तकरीबन 1.5 फीट है, जो अभी भी जीवित अवस्था में है, जिसे जांच के लिए रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज लाया गया है। रीवा श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कहा कि यह मेडिकल साइंस के लिए कोई नई बात नहीं है। ये कीड़े को राउंड बार हो सकता है, इस तरह कीड़े निकलना कोई नई बात नहीं है। मेडिकल साइंस में इस तरह के केस पहले भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल मरीज की हालत स्वस्थ बताई जा रही है।